लेकर जो चर्चाएं चल रही थीं उन चर्चाओं पर अब विराम लगता नजर आ रहा है। आतिशी मरलेना को मुख्यमंत्री पद के लिए चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक में आतिशी के नाम पर फैसला हुआ। आतिशी मरलेना दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार में मची खलबली का अब यहां पर कुछ हल होता नजर आ रहा है, लेकिन अब इसके बाद कई तरह के सवाल यहां पर उठने लगे हैं। हमारी सहयोगी रचना उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। रचना, क्या जानकारी मिल रही है आम आदमी पार्टी कार्यालय से? देखिए, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की थी कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे और आज 12 बजे जो नया मुख्यमंत्री होगा उसका ऐलान सबके सामने होगा, तो उससे ठीक पहले विधायकों के साथ उनकी बैठक हो रही है। और आपको ये भी बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने आतिशी मरलेना, जो कि उनके सरकार में मंत्री हैं, उनके नाम का प्रस्ताव रखा है और इस वक्त अभी वो सभी विधायकों को विधायक दल में संबोधित कर रहे हैं। तो एक नाम सामने आ गया है कि आतिशी मरलेना जो है वो मुख्यमंत्री पद की दावेदार होंगी। और ये आम आदमी पार्टी के द्वारा लिया गया निर्णय, इसकी क्या औपचारिक घोषणा कर दी गई है रचना? देखिए, फिलहाल अभी मीटिंग चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि विधायक दल की बैठक चल रही है और उसमें पहले दिलीप पांडे जो है उन्होंने प्रस्ताव रखा था, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने जो है उन्होंने दिलीप पांडे ने अपने प्रस्ताव में कहा कि अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री का निर्णय करेंगे, यानी कि वही डिसाइड करेंगे कि कौन होगा। सभी विधायकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन भी किया था और उस समर्थन के बाद ही अरविंद केजरीवाल ने आतिशी के नाम पर अपना प्रस्ताव रखा है। और रचना, चूंकि मंत्रालय कई ऐसे हैं जो अभी आतिशी ही संभाल रही हैं, ऐसे में क्या मंत्रिमंडल के पुनर्गठन को लेकर भी कोई चर्चा है? क्या और भी मंत्री अब कैबिनेट में शामिल किए जा सकते हैं? देखिए, जाहिर सी बात है कि पोर्टफोलियो बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर शायद जो पोर्टफोलियो है वो उसके लिए दूसरे मंत्री जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल किए जाए या फिर आतिशी ही वो सारे विभाग यहाँ पर संभालेंगी, क्योंकि फिलहाल तो विधायक दल की बैठक में जो प्रस्ताव रखा गया था अरविंद केजरीवाल की तरफ से वो स्वीकार कर लिया गया है और अब आतिशी जो है वो दिल्ली विधायक दल की नेता चुनी गई है। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से आतिशी का नाम सामने आ रहा है तो उसके सामने दूसरी कोई दावेदारी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि इससे पहले ये साफ हो गया था कि अरविंद केजरीवाल की जो पत्नी है सुनीता केजरीवाल, जिनका नाम चर्चाओं में था, वो पहले ही इस रेस से बाहर हो चुकी थी। और चूंकि अब प्रस्ताव अरविंद केजरीवाल की तरफ से आतिशी के नाम पर रखा गया है और इसकी स्वीकृति भी दे दी गई है, तो जल्द ही इसका ऐलान हो जाएगा, स्वाभाविक है। और रचना, इस्तीफे के बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? औपचारिकताएं जो है वो किस तरह से और कब तक पूरी होंगी? देखिए, अभी बैठक चल रही है, जल्द ही सारी जो चीजें हैं वो साफ हो जाएंगी और जो ऐलान होना है वो भी हो जाएगा, क्योंकि फिलहाल अभी बैठक है, अंदर सारी चीजें चल रही हैं, पूरी एक रणनीति जाहिर तौर पर तैयार की जा रही होगी कि किस तरीके से क्या चीजें करनी है, तो थोड़ा सा इसके लिए इंतजार करना होगा अभी। क्या कुछ किसी तरह का कोई विरोध आतिशी के नाम को लेकर? फिलहाल तो उस तरीके की कोई खबर नहीं आ रही है कि विरोध हो, क्योंकि अभी सर जो हमारे सूत्र है उनके हिसाब से यही खबर आ रही है कि सभी विधायकों ने खड़े होकर अरविंद केजरीवाल के तरफ से जो आतिशी के नाम पर प्रस्ताव रखा गया था उसको स्वीकार कर लिया है, तो इससे साफ हो जाता है।